क्रिकेटर ऋषभ पंत का कैसे हुआ बेहद दर्दनाक सड़क हादसा। जबरदस्त कार एक्सीडेंट में किसने बचाई ऋषभ पंत की जान। क्रिकेट के मैदान में भारत की शान, क्रिकेटर ऋषभ पंत एक दर्दनाक हादसे में बाल बाल बचे हैं। उनकी गाड़ी हरिद्वार जिले के मंगलोर में सुबह सुबह करीब 5:30 बजे हादसे का शिकार हुई। उनका एक्सीडेंट इतना भीषण था कि उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकराने के बाद सड़क पर कई बार पलट गई। इससे पहले कि वे इस हादसे से संभल पाते, उनकी गाड़ी में आग लग गई। इसमें गनीमत ये रही कि वे गाड़ी में आग लगने से ठीक पहले विंड स्क्रीन को तोड़कर गाड़ी से बाहर निकल आए। जिस वक्त वे अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे, उसी बीच हरियाणा रोडवेज बस के ड्राइवर सुशील कुमार वहाँ देवदूत बनकर पहुँचे। उन्होंने और उनके साथ साथ कुछ स्थानीय लोगों की सहायता से उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। इससे मुश्किल से 50 मीटर पर मेरी मार्केट है, परी मार्केट के नाम से गुरकुलनाथन। जैसे ही हम सुबह निकले, 5 बजे का समय था फिक्स, तो गाड़ी घिसरती हुई आ रही थी, पतले खाती हुई, तेजी पे थी गाड़ी बहुत। और जैसे हम उसके करीब पहुंचे तो गाड़ी में पूरी तरह से आग लग रही थी। खैर, उनको गाड़ी से निकाल लिया, और कपड़े भी नहीं उनके पास नहीं थे, बस अंडर भी में वो निकाला उनको कपड़े वपड़े भी। एक उनका बैग था वो निकाला। फिर उसके बाद काफ़ी लोग बाग आ गए, मैं तो फिर उनको एम्बुलेंस देखने चला गया हॉस्पिटल में। फिर पुलिस चौकी गए, वहाँ सूचना दी, फिर जो है हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से एम्बुलेंस लेकर आए, और फिर साथ के साथ उनको एम्बुलेंस में बैठा के हम लोगों ने तुरंत रुड़के के लिए रेफर कर दिया। और उनको एक आगे में किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना, ये मतलब क्रिकेटर बता रहे थे वो कि वो नाम है मेरा, फिर वो चले गए। 5 बजे सुबह, आज सुबह 5 बजे। चोट तो देखी जाए तो काफ़ी थी, सर पे भी चोट थी, पैरों पे चोट थी, कमर में बराबर वाले से रगड़ जैसे लग जाती, इस तरह की चोटें थी। तो पैर में ब्लीडिंग हो रहा था, बल्कि ब्लड वहाँ निकला भी। मेरे हिसाब से गाड़ी की दूरी है 200 मीटर की लगभग बताई जा रही, कितनी तेज स्पीड पर गाड़ी होगी? गाड़ी की स्पीड 100+ ही होगी मेरे हिसाब से, 110-115 की स्पीड पर गाड़ी ना हो। क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी शुक्रवार तड़के दिल्ली देहरादून राजमार्ग पर हादसे का शिकार हुई थी। बताया जा रहा है कि उन्हें झपकी आ गई थी, जिस वजह से उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। उन्होंने बताया कि हादसे के वक्त वहां पर हरियाणा रोडवेज की बस गुजर रही थी, उसके ड्राइवर ने तुरंत बस रोकी और ऋषभ पंत को बचा लिया। इसके बाद पंत को रुड़की के अस्पताल में पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल भेज दिया गया। सुबह लगभग 5:30-6 बजे के आसपास की बात रही होगी, जब ये सूचना मिली कि ऋषभ पंत की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर मंगलौर और हम सभी पहुंचे, जहां सक्षम हॉस्पिटल रुड़की में उनका डॉक्टरों की टीम के द्वारा उपचार किया गया। उपचार के उपरांत बेहतर उपचार और एहतियातन उनको देहरादून मैक्स हॉस्पिटल रेफर किया गया है। कार में वो अकेले थे, स्वयं चला के आ रहे थे रुड़की अपने परिजनों से मिलने के लिए, और ऋषभ पंत का स्वयं मानना है कि संभवतः झपकी आने के कारण ये दुर्घटना हुई होगी, लेकिन अभी बाकी सभी पहलुओं से भी जानकारी की जा रही है। SP रूरल हरिद्वार ने बताया कि ऋषभ पंत दरअसल अपनी माँ को सरप्राइज देना चाहते थे। उन्हें कुछ चोट आई है, लेकिन उनकी हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है। उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए देश भर में दुआएं मांगी जा रही हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ।